नीति वचन अध्याय 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे प्यार के लिए यीशु के नाम में आमेन। आइए सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। अपनी अपनी बाइबल निकालें और हेजकेल उसका 3 अध्याय उसके 7 से मैं पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलें, और अगर बाइबल नहीं खोल सकते तो सुने ध्यान से। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। सब बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को अगर आपने ध्यान से सुना तो अच्छी बात है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो एक बार इसे घर जाकर जरूर पढ़ लें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी ताकत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था और मैं सोच रहा था ये वचन जो है परमेश्वर रियली में सच्चाई है, उसके ऊपर मुझे काम करने के लिए प्रभु हिम्मत दे, ताकत दे परमेश्वर, तो मुझे एक परमेश्वर ने एक ऐसा सोच डाला कि तेरा काम तू कर और मैं मेरा काम करूंगा। हालेलुया। एक किसान अपना काम करता है बीज बोने का, और वो बीज बो करके आ जाता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर अपना काम करता है उसको उगाने के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया को समझ लेना है, आज आप सभी को यह जान लेना है, अगर आपने पाप किया है तो आपको भी मन पिराना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो पाप में मर रहे हैं, ना सो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग गलतियां करते हुए पाप में फंस कर मर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, नरक में जाने का जो है परिस्थिति बना के जी रहे हैं, तो उनके लिए आप एक आवाज बन करके, परमेश्वर की आवाज बन के उनको चेताओ और बताओ, भाई बहनों, चाहे छोटे बच्चे, चाहे बड़े, चाहे बुजुर्ग, उन सभी को चेताओ और बताओ कि मन फिराओ,
क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। जरूर ऐसा समाचार ऐसे लोगों को दो। अगर कोई यीशु मसीह को जानता है और जानने पर भी वो प्रभु के हिसाब से नहीं चला, उसको भी बताओ और चेताओ। अगर किसी ने गलत मार्ग ले लिया है तो उसको बोलो, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहता है बदल जाओ, मेरे पास आओ, प्रभु की आवाज सुनो और बदल जाओ। अगर ये व्यक्ति जिसको आप प्रभु का वचन सुना रहे हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, अगर उसने सुना और मन फिराया तो वचन कहता है कि आपने किसी का प्राण बचा लिया। पर अगर आपने ये देखा कि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है और आपने उसे नहीं बताया, उसे नहीं चताया, तो वचन कहता है वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, पर देख ले उसके खून का लेखा परमेश्वर कहता है मैं आपसे लूंगा। याद रखिए, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप एक पापी को मन फिराने के लिए कुछ कह रहे हैं, बदलने के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर किसी के जीवन को बदल देगा। अगर कोई व्यक्ति बदलना नहीं चाहता तो वचन कहता है तूने अपना काम कर लिया, तूने अपना प्राण बचा लिया, वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, नरक में चले जाएगा, लेकिन तूने अच्छा किया, अपना प्राण बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई ये कहती है कि बदल जाओ, मन फिरा लो, आज मौका है, मन फिरा लो, आज मौका है। लेकिन एक समय आने वाला है जब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वचन कहता है जैसे नूह का समय था वैसा समय आने वाला है, किसी को मौका नहीं मिलेगा उस समय। आज परमेश्वर मौका दे रहा है हर भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को, मन फिराओ और तौबा करो और परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर एक आवाज दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पाप करते हुए नाश हो जाए। एक पापी अगर पाप में फंसा हुआ मर जाता है तो परमेश्वर से कभी खुश नहीं होता है। अगर एक पापी मन फिरा लेता है परमेश्वर उससे खुश हो जाता है। और वचन कहता है एक पापी अगर मन फिराता है इस दुनिया में, इस धरती पर, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत जो है आनंद मनाते उस समय। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और उसका जीवन बदल जाता है तो मेरे प्रभु के लोगों स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके लिए परमेश्वर कहता है एक बहुत बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। किसी पापी का जीवन बचाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो स्वर्ग में जो इनाम मिलने वाला है वो दुनिया के इनामों से कोई उसकी तुलना नहीं की जाती। मैं जब अपने विषय में सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर, मैं इतना बड़ा पापी गुनेगार व्यक्ति जो नहीं जानता था किस मार्ग में जाना है, और परमेश्वर ने किसी ना किसी एक किसी का उपयोग किया मुझे बदलने के लिए, मेरा जीवन बदलने के लिए। और जब मुझे पता चला कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है तो मैंने उस पर जब भरोसा किया मेरा जीवन बचाया गया। और जब मैं अपने विषय में सोचता हूं कि मुझ ऐसे पापी पर अगर परमेश्वर दया कर सकता है तो और लोगों के ऊपर भी दया कर सकता है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा यही है कि हर पापी व्यक्ति बचाया जाए, हर पापी व्यक्ति बचाया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं वचन कहता है कि जिन्होंने अपना मार्ग ले लिया है वो भटक चुके हैं, वो परमेश्वर को जानने पर भी वो परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कौन सच्चाई बताएगा? परमेश्वर कहता आप सच्चाई बताएंगे। हालेलुया।
जब लोग सच्चाई को जानते हैं तब लोग आजाद होते हैं। याद रखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है जिससे वो बदल सकें। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आया तो उसने सामर्थ्य दिया, लोगों के जीवनों को बदल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर लगाता है परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। परमेश्वर आज हर किसी से बात कर रहा है यहां पर। इस दुनिया में जब पवित्र आत्मा आया तो उसने मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया। बार बार एक बात का जिक्र किया जाता है, लोग कहते हैं कि धर्म का प्रचार होता है, धर्म बदला जाता है, लेकिन बाइबल यह कहती है कि वचन किसी का धर्म नहीं बदलता लेकिन वचन किसी का जीवन बदल देता है। हालेलुया। मैं गलत रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। एक व्यक्ति अगर शराब पीता है उसका नशा छूट जाता है तो परमेश्वर ने उसके नशे को छुड़ा दिया। और ये क्या गलत हो गया? किसी व्यक्ति को है ना एक ये सोच आ रही थी कि मैं गलत काम करूंगा, परमेश्वर ने उसके गलत कामों से उसे आजाद किया और अच्छे कामों में लगा दिया। ये है बदलाव, ये है बदल जाना। और जब एक व्यक्ति बदल जाता है तो बताया जाता है कि परमेश्वर की महिमा होती है। इस दुनिया में जब शैतान ने काम किया तो लोगों को जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग थे वो परमेश्वर के खिलाफ में शैतान ने उन्हें खड़ा कर दिया। वचन कहता है कि वो इतने बुद्धिमान बन गए कि वो परमेश्वर से ज्यादा सोचने लग गए। अगर रोमियो की पत्री उसका एक अध्याय पढ़ेंगे तो लोगों के विषय में बताया गया कि लोगों ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर बनाना शुरू कर दिया। जो सच्चाई थी परमेश्वर उसको बदल करके अपने हाथ के बनाए हुए परमेश्वर पर विश्वास करने लग गए। जो कि वचन कहता है वो झूठ है, हम अपने हाथों से परमेश्वर नहीं बना सकते हैं। सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। कितने लोग जानते हैं ऐसा कि आप परमेश्वर को नहीं बना सकते, लेकिन आपको परमेश्वर ने बनाया है। सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करती है। अगर पाप का अगर व्याख्या किया जाए थोड़े से शब्दों में तो पाप का मतलब है कि आज्ञा ना मानना। जब व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, अपने विचारों से चलता है और जैसा दुनिया का सिस्टम है उसके अनुसार चलता है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता वो व्यक्ति। सच्चाई आवाज देती है। और सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। वो आज आपको आवाज दे रहा है, वो मुझे आवाज दे रहा है। सच्चाई पर चलो, सच्चाई अपने अंदर डाल लो, सच्चाई से जियो और सच्चाई आपको दुनिया में आजादी का प्रभाव हमेशा देती रहेगी। हालेलुया। आज लोगों के पास सच्चाई नहीं है, झूठ है। इसीलिए कई लोग जो है आज भी निराश हैं। निराशा का कारण ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की चीजें या नहीं है या नहीं, पर सच्चाई नहीं जानना, कुछ लोगों को उसके अनुसार नहीं जीना, ये एक समस्या है। और वचन कहता है सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेंगी। और एक व्यक्ति अगर पाप के स्वभाव में है, अगर उसने यह ठान लिया है मैं पाप से मन फिराऊंगा और मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, तो याद रखिए कि परमेश्वर भी वफादार है आपको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग पाप के गुलाम हो चुके हैं। जो लोग पाप के गुलाम हो चुके हैं उनसे आज परमेश्वर
एक बात करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, जो पाप के गुलाम हैं, उनसे आज परमेश्वर एक आवाज दे रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। पाप आपका दोस्त नहीं है, वो आपको नाश करेगा। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इसलिए याद रखिए, अगर आप पाप के स्वभाव में जीने का काम कर रहे हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर ने बीते हुए समय में मुझसे कहा, वो एक दुख भरी बात है। वो बात यह है कि प्रभु ने कहा, कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई जानने पर भी सच्चाई के अनुसार नहीं चले हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को आज एक आवाज दे रहा है, बदल जाओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, लौट आओ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये आवाज परमेश्वर ने जब मुझ तक पहुंचाई कि मेरे लोगों को कह दो, मन फिराओ और लौट आओ, तो ये बात आज आपको ध्यान से सुनने, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आपको बहुत प्यार करता है परमेश्वर। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आपने छोटी गलती की, बड़ी गलती की, यह मायने नहीं करता है, लेकिन मायने यह करता है कि आपने ये मान लिया कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मुझे अपना ले, मुझे प्यार करो और मैं तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर ऐसा जन कोई यहां बैठा हुआ है या मुझे सुन रहा है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति के लिए खुशखबरी है, परमेश्वर उसे संसार में नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, तो सोच लीजिए परमेश्वर इस दुनिया में क्यों ना आपको आनंद देगा। आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आपका पाप कितना बड़ा है ये मायने नहीं करता, पर आपके हृदय में एक चिल्लाहट, एक आवाज आ चुकी है कि मन फिराना चाहता हूं, परमेश्वर मेरी मदद कर। वो परमेश्वर आपको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए मौजूद है। वो चाहता है कि आप उस परमेश्वर की महिमा से बढ़ जाए। जब मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर के सम्मुख गया, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, और जब वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी तो मूसा जो है वो पूरी रीति से मोम की तरह पिघल गया। वो मूसा नहीं रहा उस समय, वो परमेश्वर की आवाज बन गया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, यह व्यक्ति परमेश्वर की आवाज बन गया। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने उसको मिस्र में अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया उस व्यक्ति को। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है तो उसकी एक पहचान है कि वो व्यक्ति जो है गिर जाता परमेश्वर के सामने, और ये मान लेता कि मैं पापी हूं, और परमेश्वर उसको बदल देता है, और जैसा वो है वैसा नहीं, वो कुछ और बन जाता है, और परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख में गया, मैंने बोला, मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, तो परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। और आज जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बदल दिया, तो मैं आज इस अलौकिक काम के लिए, इस बड़े अद्भुत काम के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे पास नहीं थी ताकत कि मैं अपने आप को बदल सकता, लेकिन मैंने एक आवाज दिया कि परमेश्वर मेरी मदद करो,
और जब मैंने पुकार परमेश्वर को बताई तो परमेश्वर ने इस पुकार को सुना और मुझे बदल दिया। और जब एक व्यक्ति बदल जाता है तो उसकी पहचान, मैं बताना चाहता हूं क्या पहचान है। यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग में बड़ा होना चाहता है वो इस दुनिया में छोटा होना सीख ले। ये पहचान है जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो इस दुनिया में अपने आप को नम्र और दीन और अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाने के लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर आप धाबा बोले, आप उसकी सामर्थ को तोड़े, तो आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। आपको अपने आप में अपने स्वभाव में बिल्कुल जीरो होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को महिमा देनी होगी। आपका पाप आपके सामने आपको गिराने के लिए तैयार है तो इससे आपको मन पिराना है। यह पाप मुझे गिराता है, मैं इससे नफरत करूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है क्या आप पाप के साथ ऐसे लड़ाई लड़े कि आपका लहू भी बहा हो। और जब आप पाप के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर देखता है, ओ मेरा बेटा मेरी बेटी, देख इस गलत बातों से, इस बेकार की चीजों से, इन गलत बातों से मन पिराने के लिए तैयार और इनके साथ फाइट कर रहा है। परमेश्वर सामर्थ देता है कि आप जो है पाप के स्वभाव से बाहर आ जाए। और परमेश्वर इतना प्यार करता है आपसे और मुझसे सबसे कि वो हर किसी को निष्पाप बनाना चाहता है। शैतान के सामने आपको और मुझे वो खड़ा करके ये बताना चाहता है कि ये मेरी आज्ञा को मानते हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं। मैं आज आपको नहीं चाहता कि आप खुश हो जाए, मैं कोई अच्छे शब्द बोल करके आपको खुश कर दूं थोड़ी देर के लिए और आप ये सोचना शुरू कर दें बस जी बहुत अच्छा वचन था। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी छोटा सा पाप आपके अंदर आ जाता है उससे मन फिराने के लिए तैयार हो जाओ और परमेश्वर भी तैयार है कि आपको आगे ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है हम कहां पर कमजोर है, कौन कौन से गलत काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु एक आवाज दे रहा है और वो आवाज है अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वो भी हिम के नाई सफेद हो जाएंगे। आपको परमेश्वर है ना सामर्थ देने के लिए तैयार है कि आप जो है बिना पाप का जीवन जिए। आपको आज एक फैसला लेना है कि मैं जहां पर मुझे मैं जल जाता हूं, जिस जगह से मुझे हानि पहुंचती है मैं उस जगह पर हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगी। पाप एक आग की तरह जलाता है, कई लोगों को नाश करने के लिए डेवल क्या करता है उसकी कमजोरियां उसके सामने लेकर के आता है। और जब कमजोरियां सामने आती हैं वो कमजोरी चाहे झूठ बोलने की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो लालच की हो, चाहे वो धोखा देने की हो, चाहे वो दिखावे की हो, चाहे वो बड़ेपन की हो, चाहे वो किसी भी तरह की कमजोरी क्यों ना हो, शैतान इस बात में तैयार रहता है कि आप में से किसी को भी आपकी कमजोरी को आपके सामने लेकर के आए और उस कमजोरी में आप उलझ जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। ये परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे प्रभु के लोगों। परमेश्वर की योजना आपसे आपके लिए यही है कि आप जो है परमेश्वर के नजदीक रहे। और शैतान हमेशा याद रखिए वो भी योजना बनाता है, हर दिन वो योजना बनाता है कि कैसे न कैसे आप दूर किए जाएं,
आपको परमेश्वर से दूर किया जाए, और दूर करने के लिए वो भी कई प्रकार की आत्माओं का इस्तेमाल करता है। पिछले दिन मुझे किसी का फोन आया, वो कह रहा था कि मैं दुखी हो गया, मैं कैसे अब बदलूं। मैंने उससे कहा, जब तक आप तैयार नहीं होंगे बदलने के लिए तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। आपको तैयार होना है और उसके लिए काम करना है आपको, और परमेश्वर बदलेगा। एक नशा करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आदेश देता है कि इससे मन फिरा, और प्रभु सामर्थ भी देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नशे से बदलना ही नहीं चाहता तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा और लोग भी कुछ नहीं करेंगे। किसी का जीवन अगर चाहते बचाना है तो उसको अपने आप को तैयार करना है कि मैं बदलना चाहता हूं, तभी कोई व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है। कोई मदद लेना ही नहीं चाहता है तो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आज हर भाई बहन की मदद करना चाहता है। परमेश्वर की योजना हर भाई बहन के लिए यही है कि हर भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग बदल कर परमेश्वर की सच्चाई वाली वर्शिप करें, सच्ची आराधना करें। हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको जब परमेश्वर आवाज देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मन फिरा, तो आपने देखना है कहां से मन फिराना है। याद रखिए, जब शैतान किसी को नाश करने के लिए योजना बनाता है ना, वो बड़ा पाप नहीं लेकर के आता है, वो बहुत ही ऐसे भयानक रूप लेकर के नहीं आता है। जब शैतान किसी को परमेश्वर अलग करता है, वो छोटा सा गड़बड़ी करवाता है, छोटा सा, छोटी सी है ना, ऐसी बात होने देगा जिससे कि आप धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा और कुछ करना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर से कई लोग जो अलग हो जाते हैं। शैतान को मालूम है कि किस व्यक्ति को कैसे जो है परमेश्वर से अलग करना है। हालेलुया, हमारे ये जो 3 हफ्ते चल रहे हैं, 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते और आने वाले हैं। इन 2 हफ्ते में हम कई ऐसे बदलाव देखने वाले हैं अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने समाज में, अपने ऐरद गिर्द। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए क्या करना होगा, आपको और मुझे पूरी रीति से बदल जाना होगा। हालेलुया, प्रभु एक आवाज दे रहा है। ये बाहर जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु कहता मैं इनको बदलना चाहता हूं, इन जीवन बदलना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले प्रभु कहता है मेरी कलीसिया तुम बदल जाओ, मेरे से सच्चा प्रेम करो। प्रभु कहता है कि मुझसे सच्चा प्रेम करो और मेरी महिमा करो, और छोटे छोटे पापों से मन फिराओ, तौबा करो, और प्रभु कहता है मेरे पास लौटाओ, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका जो पाप है वो आज से चाहते कि खत्म किया जाए, तो आज के बाद जो है ना, पाप के साथ फाइट करो, लड़ाई करो। जब लड़ाई करते हैं ना तो उसमें घायल तो होते हैं। मैं जानता हूं कभी कभी छोटा सा पाप छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है कुछ लोगों को। हमारे बीच में एक भाई है, वो सारे नशे उसने छोड़ दिए, लेकिन एक छोटा सा नशा छोड़ना चाहता था, उसको बहुत तकलीफ हुई। पर इन दिनों में मैंने सुना वो आजाद हो चुका है, जब उसने उस नशे को छोड़ने के लिए काम किया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यभिचार से
भरा हुआ व्यक्ति अगर वो व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए ठोस निर्णय लेना है कि मेरे अंदर बुरी कल्पनाएं अगर आती है, बुरे विचार आते हैं, तो मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और उसके लिए प्रार्थना करना है। सोचो, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो पाप है ये ऐसे ही तैयार हो जाता है। नहीं, जब एक व्यक्ति के अंदर कोई पाप आता है उसके पीछे एक आत्मा का हाथ होता है, याद रखिए। इस दुनिया में जब भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उसको काम करना पड़ता है, और एक व्यक्ति पाप का जीवन जीने वाला व्यक्ति है, जब तक पाप के ऊपर काम नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। व्यभिचार करवाने वाली एक आत्मा है, जलन डालने वाली एक आत्मा है, नशा करवाने वाली एक आत्मा है, गलत विचारों में डालने वाली एक आत्मा है। याद रखो, रातों रात जो बीमारियां बन जाती है ना उसके पीछे भी एक आत्मा है, लेकिन लोग नहीं समझते। इसलिए आज के बाद उन सारी आत्माओं के ऊपर कब्जा करने के लिए काम करो, अपने आप को पवित्रताई के लिए सौंप दो परमेश्वर के हाथ में। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है उस व्यक्ति को, भाई बहन को अपने मुंह से एक बाचा बांधनी है कि आज के बाद में झूठ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, क्योंकि शैतान को मालूम है छोटा सा गलत काम करवाने से वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आप परमेश्वर के प्रिय लोग हो, कितने अच्छे लोग हैं आपको परमेश्वर ने बनाया, कितने सामर्थ्य से भरे लोग हैं आप, लेकिन शैतान छोटा सा गलत करवा के आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आप परमेश्वर के बहुत खास लोग हो। प्रभु नहीं चाहता कि बार बार दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में आए, प्रभु नहीं चाहता कि बार बार आप बीमार हो जाए, प्रभु नहीं चाहता कि आप बार बार किसी तरह से संघर्ष में चले जाएं, लेकिन शैतान को यह अच्छा नहीं लगता कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और आप अच्छा जीवन जिए। इसलिए वो बार बार क्या करता है, आपको किसी ना किसी तरह से गड़बड़ी में ले जाने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए वचन कहता है आज से आप बदलोगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आया वो लोग बदल गए, जब पवित्र आत्मा आया वो लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया, अपने हाथों को दो उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आया तो वो बदल गए, उनके पास ताकत नहीं थी बदलने की, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दे दिया, वो बदल गए और वो सामर्थ्य से भर गए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बदल जाता है तो उसका रीजन यह होता है कि परमेश्वर अपनी ताकत के द्वारा किसी को बदल देता है, अगर कोई अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देता है तो। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं को बदलना चाहता है जो पुकार रहे हैं, जो आज से फैसला लेने के लिए तैयार हैं, चाहे पाप छोटा है चाहे बड़ा है, मैं पाप नहीं करूंगा और मैं पाप के ऊपर विजयी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह भी पाप के ऊपर जीता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सब पवित्रताई का जीवन जिए, क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम कभी पाप ना करें। परमेश्वर ऐसी ही कलीसिया को लेने आ रहा है जो बिना पाप से जी रही है। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो कभी पाप के साथ समझौता नहीं करती है। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिस कलीसिया में परमेश्वर की पवित्रता ही है। जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं,
इस व्यवस्था के पुस्तक के में लिखे हुए वचनों के अनुसार चलते, सीधे चलते हैं, ना उसके दाएं ना बाएं, परमेश्वर फिर उनके लिए वायदा करता है, कोई आग तुझे जला नहीं सकेगी और पानी तुझे डबो नहीं सकेगा। उसके लिए फिर परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिया हो, परमेश्वर के खास लोग हो आप, इसीलिए आप अगर ये साबित करना चाहते हैं तो आज के बाद पवित्र आत्मा की संगति करो और बोलो, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं तेरी मर्जी से जी सकूं। और जब पवित्रताई का जीवन आप जियोगे, आपके पास एक सामर्थ आएगी, एक इनोइंटिंग, एक अभिषेक होगा जो अभिषेक सारे जुओं को तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बदलाव अगर आप चाहते हैं अपने देश में, अपने समाज में, कलिशिया में, अपने परिवार में, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आपको और मुझे कुछ करना है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है ना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कितने लोग जानते हैं, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे हर जगह पर एक बदलाव आए, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, मुझे भी काम करना होगा, आपको भी। और वो काम क्या है? परमेश्वर के सामने वफादारी से समय बिताना होगा और पाप के साथ कोई समझौता नहीं करना है, और परमेश्वर के साथ ऐसा समय बिताना जो कीमती समय है, बचा हुआ समय नहीं देना है। हाँ, टाइम मिलेगा तो चलो प्रार्थना कर लेंगे, चलो आज टाइम है तो कलिश में आएंगे, चलो आज कुछ मेरे पास बहुत ज्यादा समय था इसीलिए अब मैं 2-3 घंटे समय बिताऊंगा। नहीं, वफादारी से प्रभु के साथ समय बिताओ, और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना का जवाब देगा और बड़े काम होंगे आपके देश में और मेरे देश में। हालेलुया। ये हमारा सबका देश है, हमारा ये अगर देश है तो हम इसमें रहने वाले लोगों की एक ही मांग होनी चाहिए, हमारे देश को प्रभु बदल दे, कोई करप्शन ना हो, कोई गलत काम ना हो। और ये तब संभव होगा जब आप वफादारी से परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने एक बात अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने देश में एक बदलाव को देखना चाहता हूं, और जब वो अपने देश को देखना चाहता था, कि एक बदलाव देखना चाहता था, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब प्रार्थना करना शुरू किया तो कोई भी उसका फल नहीं आ रहा था, कई साल बीत गए, पर वो प्रार्थना करता रहा। और एक दिन परमेश्वर ने उसको दिखाया कि देख, तेरा जो देश है वो दुष्ट आत्माओं के चुंगल में पड़ा हुआ है, इसीलिए कई लोग जो है प्रचार कर रहे हैं उनके जीवन नहीं बदल रहे हैं। और जब यह बात पता चली उसको, तो उसने क्या करना शुरू किया, वो जगह जगह पर गया और क्या करने लगा, वो अपने हाथों को उठाता, शहर के लिए, गांव के लिए प्रार्थना करता, और जो दुष्ट की शक्तियां उनको बांध देता, वो जो गलत काम करने वाली जो आत्माएं थी उनको वो बांध देता था, और कई सालों तक ऐसा करता रहा, अंधकार की जो शक्तियां उनके खिलाफ वो युद्ध करता रहा। उस समय बताया जाता है कि उस देश में ऐसा हुआ करता था, कलिशिया में कोई बेधारी नहीं थी, कोई जागृति नहीं थी, कोई बदलाव नहीं था, बस नामधारी तरह से लोग चर्च में जाते थे, हाँ ठीक है। लेकिन जब इस व्यक्ति को पता चला कि हमारे देश में एक अंधकार की शक्ति है, एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा का बहुत बड़ा झुंड है जो हमारे देश के ऊपर कब्जा करके रखा है, लोग गलत काम कर रहे थे उस देश में, बहुत करप्शन था, भ्रष्टाचार था, बहुत गड़बड़ियां थी, लेकिन इस व्यक्ति को पता चला और उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, जगह जगह जाकर के अपने देश के लिए हाथों को फैलाते हुए प्रार्थना करता रहा, और कुछ सालों के बाद
क्या हुआ, सुनना चाहते हैं? हर गली में, हर शहर में लोग यीशु की महिमा करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने आत्मिकता के सोच से सोचा उसने, और प्रभु ने जब वो उसको ये बात बताई तो उसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसको बताया परमेश्वर ने कि यहां पर तेरे देश में अंधकार की शक्तियों ने इन लोगों के दिमाग को पकड़ के रखा है। यहां तक जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे वो भी जागृत नहीं थे, बस फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में जाया करते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति ने जीमा उठाया कि मैं अपने देश को एक बदलते हुए देखना चाहता हूं परमेश्वर, तो उसने दुष्ट की शक्तियों के साथ लड़ाई किया, फाइट किया, और उसका देश बदल गया। आपका देश, आपका गांव अगर चाहते कि बदल जाए, आपके परिवार बदल जाए, तो आज से फैसले लोगे, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु की योजना है कि आपका हृदय, मेरा हृदय उस सामर्थ्य से भर जाए और हम परमेश्वर के जीवते गवाह ठहरे। हालेलुया। आज से आपको निर्णय लेना होगा, पाप के साथ फाइट करनी होगी, और दूसरा परमेश्वर के साथ वफादारी से समय बिताना होगा, और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभिषेक आएगा और क्या करेगा, वो सारे जुए तोड़ेगा। वो वचन में लिखा है, एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति को दुनियादारी के जो ज्ञानवान लोगों की कोई जरूरत नहीं है, वो अभिषेक उसे सिखाएगा, बताएगा हर कदम के ऊपर उसे कैसे चलना है। हालेलुया। अभिषेकित लोगों की ये निशानी है कि वो प्रभु की आत्मा उन्हें हर दिन बताती है कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया। एलिशा परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता ऐसा हुआ जो परमेश्वर बताता था वो उसे करता था, और कई ऐसे काम हैं जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के ऊपर जाहिर करता था। एलिशा एक दिन देखता है कि इज़राइल के साथ में जो दूसरा एक राजा है वो लड़ने के लिए जब आ रहा है, तो उसके गुप्त रहस्यों की जो स्टोरी है वो इज़राइल के राजा को बता दी जाती है कि देखो यहां यहां से ये जो है लोग आ रहे हैं, और उसका सारा प्लान जो दूसरे राजा का है एलिशा बता देता है। और वो जो इज़राइल के साथ में जो राजा लड़ने के लिए आता है वो बहुत ज्यादा जो है परेशान होने लगा कि हमारा जो प्लान है, हमारी जो योजना है, हमारे बीच में ऐसा कौन है जो हमारी गुप्त बातें जो है ये दूसरे इस राजा से बताया करता है, कौन है? लेकिन किसी ने कहा, बोला हमारे बीच में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बोला उनके वहां पर उस जगह पर एक व्यक्ति है, उसका नाम एलिशा है, वो जो हमारी योजना है वो सब जानता है और वो राजा को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हाथ उठाते हुए प्रभु की महिमा नहीं करेंगे? आत्मा से भरे हुए लोगों की एक पहचान है वो गुप्त बातों को जो लोग नहीं जानते लेकिन आप जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को मालूम नहीं होगा कि क्या होने वाला है लेकिन आपको पता होगा। इसलिए कलीसिया, आपके पास वो अधिकार, वो सामर्थ्य है जो किसी के पास नहीं है। आप आने वाले समय में भी जानेंगे कि क्या होने वाला है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। कौन किससे बात करेगा? परमेश्वर बात करेगा उन लोगों से जो अभिषेकित लाइफ जीते हैं, और आप वो जानेंगे जो परमेश्वर कहना चाहता है। आपके देश में जो कुछ भी होगा वो आपको पहले बताया जाएगा, पर कौन से लोगों को?
जो अभिषेक से भरे हुए लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रखिए, अभिषेक का आदर करना। आपके पास अभिषेक है, उसको खोने नहीं देना। शैतान को पता है अभिषेकित लोगों के पास ही तो वो कमजोरियों को लेकर के जाता है। अभिषेक पाए हुए लोगों के पास ही तो वो शैतान जाता है, क्योंकि उसको और लोगों से डर नहीं है। शैतान को कौन से लोगों से डर है? जो अभिषेक पाए हुए लोग हैं उन्हीं से वो डरता है। वो जाता है और उनके ऊपर हमला करता है और उनके ऊपर ऐसी कमजोरियां डाल देता है जिससे वो उलझ जाते हैं। पर याद रखिए, अगर आपके पास आत्मा है, अभिषेक है, तो आप देखोगे कि ये शैतान की जो चाल है ये परमेश्वर आपको दिखाएगा और आप उसमें कभी नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की पहचान है, वो सब कुछ देखते हैं। एक ऐसा भविष्यवक्ता हुआ जो श्राप देने के लिए जा रहा था, और जिस गद्दी पर वो जा रहा था वो गद्दी को क्या होता है, एक जगह पर वो बैठ जाती है और वो उस गद्दी को और मारता है और मारता है, और उसको और गुस्सा आता है और ज्यादा मारता है। और क्या होता है, गद्दी अपने आवाज आदमियों की आवाज से बोलना शुरू करती है, देख मैं तेरी वफादार वही गदी हूं, गदा हूं जिसने तेरे साथ वफादारी से काम किया है, देख मैं तुझे बचाने पर हूं। और क्या होता है ना, वो जो गदा होता है उसको वो दिखता है, क्या दिखता है, स्वर्गदूत उस व्यक्ति को मारने के लिए आया था। सोचो, ये एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन इसको है ना वो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक है ना गधे को है ना उसकी आंखें खुल गई है और वो देख रहा है एक स्वर्गदूत को, लेकिन ये परमेश्वर के जन को कुछ नहीं दिख रहा है, बस उसको ये दिख रहा है कि मुझे जाना है, कुछ करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। अगर एक गधे की आवाज खुल सकती है, अगर उसकी आंखें खुल सकती है, तो परमेश्वर कहता है आपकी भी खुलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को कमजोर मत सोचिए, अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि लोग जो है ना ऐसा जब सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं होगा, तो ये गलत बात है। अगर परमेश्वर गधे का इस्तेमाल कर सकता है, आपका क्यों नहीं कर सकता है? प्रभु आपकी आंखों को भी खोलेगा, आपके है ना जीवन में एक सामर्थ्य देखी जाएगी और वो अभिषेक सारे जुए को तोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं सभी घुटनों के पर आए, जो घुटनों के पर नहीं आ सकते वो खड़े हो जाओ, करो आज प्रार्थना। करो 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 प्रार्थना अपने लिए, पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हुए। आज के बाद एक प्रभु के साथ वफादारी से समय बिताएंगे।
करो एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ में, अभिषेकित लाइफ जीने के लिए तैयारी करो। ओ यस 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 हालेलुया। ओ यस, प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। अगर वो सहायता करने के लिए यहां पर तैयार है तो आप बोलो परमेश्वर मेरी मदद करो। ओ परमेश्वर मेरी मदद कर आज, परमेश्वर मेरी मदद कर आज। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है यहां पर। ओ यस 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 यस, ओ यस यस। अपने हाथों को उठाते हुए पूरी आजादी के साथ में बोलो बोलो, मांगो मांगो, परमेश्वर से मदद मांगो। ओ यस, थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस, ओ जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए वचनों के अनुसार चलोगे, ना उसके दाहिने ना बाएं सीधे चलोगे, तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोलूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। आप परमेश्वर की आवाज बनना चाहते तो आज के बाद पश्चाताप करो और परमेश्वर के सामने घुटने टेको और बदलने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस 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 यस, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आपको बदल करके आपको नया करना चाहता है। हालेलुया। ओ रबा बाबा सांदर रखने में इंद्रने में सकतर रखने में ना, जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। करो 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 प्रार्थना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का मसा यहाँ पर है। वो पवित्र आत्मा यहाँ है, वो आपके साथ है, वो आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। करो 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 प्रार्थना, करो प्रार्थना। आपकी आवाज खुले आज, आपकी आवाज खुले आज यीशु मसीह के नाम में। ओ यस यस यस, ओ बंधन टूटे आज, बंधन, ओ बंधन टूटे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पाप की दीवारें टूटे, पाप की दीवारें टूटे। जो आत्मा आपके पीछे हैं, उन आत्माओं की पावर टूटे आज, वो सामर्थ्य टूटे आज। बोलो बोलो बोलो, हर पाप की दीवारें टूटे आज, पाप की दीवारें टूटे, पाप की दीवारें टूटे, पाप की दीवारें टूटे। हर एक व्यभिचार की आत्माओं की सामर्थ्य टूटे, जलन की आत्मा जाए, गुस्से की आत्मा की सामर्थ्य टूटे, निराशा की आत्मा की पावर टूटे। हर एक गड़बड़ी फैलाने वाली चली जाओ, ओ हर एक भ्रष्टाचार की आत्मा चली जाओ, अंधकार फैलाने वाली आत्मा की सामा टूट जाए, टूट जाए। पवित्र आत्मा आइए, आइए। मैं चाहता हूं सभी खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अंधकार के खिलाफ में प्रार्थना करो, अंधकार के खिलाफ में प्रार्थना करो। सभी सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अंधकार के खिलाफ में, अंधकार के खिलाफ में प्रार्थना करो। आपके चारों ओर डेवल ने कुछ अंधकार फैला के रखा हुआ है, अंधकार में उजाले की घोषणा करो। यीशु मसीह हमारा उजाला है, उसकी घोषणा करो। मेरे यीशु मसीह मेरे शहर पर आ, मेरे गांव में आ, मेरे देश में आ, इस कलीसिया में आ। बोलो बोलो बोलो, पुकारो, मेरे बच्चों के जीवन में आ। ओ अंधकार की सामा जाए, अंधकार जाए,
अंधकार की बाबा टूटे टूटे, करो 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 प्रार्थना टूटे, हर जुआ तोड़ दिया जाए, हर जुआ तोड़ दिया जाए। अभी तो आत्मा का मसा, वो अभिषेक मांगो, उस अभिषेक के द्वारा सारे जुए तोड़ो। हालेलुया हालेलुया, ये पवित्र आत्मा वो करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए आपके मुंह खोले, अपने मुंह खोल करके प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया, ये शैतान या जिसने अंधकार फैलाया हुए हैं आपके घरों में, किसी रीति से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश किया है। हालेलुया, मैं चाहता हूं अपने हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ और लट रहो पवित्र आत्मा का मसा पानी के लिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। देखो पवित्र आत्मा आ रहा है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर तुम्हारे भीतर आ रहा है, सामर्थ के साथ अभिषेक के साथ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया हालेलुया, ओ रावा 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 हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कोई आजाद हो रहा है, कोई आजाद हो रहा है, कोई आजादी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। हालेलुया, पुकारो पुकारो, आपके घराने में अगर चाहते हैं बड़े काम हो पुकारो, ये पवित्र आत्मा आपके घराने में बड़ी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जोर से हालेलुया कहते हुए, जोर से चिल्लाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान को बोलो तेरी सामर्थ टूट चुकी है, बोलो बोलो बोलो। दिखा नमा सांदर रखीने मा, अंदर रखीने मा, साको तो रखीने मा, इन्ने मा साको तो रखीने मा लाबर, इन्ने मा सांदर रखीने मा लाबर, इन्ने में से का तेरी पैना वाला, अंदर रखीने मा साको तो रेबीने। पवित्र आत्मा के मसे से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, बोलो बोलो, पवित्र आत्मा के मसे से भर जाओ। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो ताली बजाते हुए। ये तालियों की आवाज ऐसी आवाज हो कि आप महिमा को देखो। हालेलुया हालेलुया, तेरा बासान रे के रे बेने ने, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। प्रभु कहता है ये आत्मा आज तुम्हें पवित्र करेगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। देखो देखो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अंदर महिमा दिखा रहा है। दी नमासा नर्रा कर रहा बड़ा बड़ा, ओ रा 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 रा, फायर, मैं आग हर जन के ऊपर आग उंडेलता हूँ, आग पवित्र आत्मा की आग, आग 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 आग, ओ रा बड़ा 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 बड़ा, ओ रा बड़ा 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 बड़ा, ओ रा 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 रा, ओ रा 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 रा, ओ रा 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 बड़ा बड़ा। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, आग फायर फायर फायर, वो आग यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की यहाँ पर है, आग यहाँ पर है, आग। इस आत्मा की सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया हालेलुया, ओ रावा वाला 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 वाला। पवित्र आत्मा कहता है आज के बाद अधूरा मिट गया है, अधूरा मिट गया है। नी नमा सांदर रेके न मारा बड़ा, ओ रा वाला 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 वाला, ओ रा 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 वाला वाला, यस 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 यस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आपका स्वागत है हमारे मध्य में, यस 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 यस। वो आग आ रही है, कुछ लोगों को बदल रही है आज, वो कुछ लोगों के अंदर से गंदगी निकल रही है, कुछ लोग आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं,
सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में